हत्या के प्रयास में वांछित चार अभियुक्तों को राजघाट की पुलिस ने अवैध असलहों के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। प्रभारी निरीक्षक राजघाट की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना राजघाट क्षेत्र में 7 अगस्त को घटित घटना के संबंध में वांछित अभियुक्त नवीन पुत्र स्वर्गीय ईश्वर चंद निवासी बेतियाहाता थाना कैंट, नीरज पुत्र ईश्वर चंद निवासी बेतियाहाता थाना कैंट को बैकुंठ धाम से रविवार को सुबह गिरफ्तार किया गया। जामा तलाशी में घटना में प्रयुक्त एक 32 बोर के रिवाल्वर, एक 32 बोर का एक मिस कारतूस, 32 बोर का एक जिंदा कारतूस व एक स्कूटी TVS बरामद की गई है। शेष अभियुक्त महेश निषाद पुत्र स्वर्गीय किशोरी निषाद निवासी इंदुपुर थाना गौरी बाजार जिला देवरिया वर्तमान पता बैकुंठ धाम थाना राजघाट व सपना पत्नी महेश निवासी इंदुपुर थाना गौरी बाजार जिला देवरिया वर्तमान पता बैकुंठ धाम थाना राजघाट को राजघाट पुल अमृतानी से गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में SPCT सोनम कुमार ने बताया कि अभियुक्तों के विरुद्ध थाना राजघाट में विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SPCT सोनम कुमार ने कहा, ये राजघाट में कल दिनांक 7/8/2021 को हत्या के प्रयास में की जो घटना हुई थी, उस क्रम में आज राजघाट पुलिस द्वारा चार अभियुक्तों को पकड़ा गया है। इनके नाम है नवीन, नीरज, महेश निषाद और सपना। इनके पास से एक अदद रिवॉल्वर 32 बोर, एक अदद मिस कारतूस 32 बोर, एक अदद जिंदा कारतूस 32 बोर व एक अदद स्कूटी भी बरामद की गई है। मुकदमा अपराध संख्या 195/21 धारा 323 504 307 IPC में पंजीकृत किया गया था और मुकदमा अपराध संख्या 197/21 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया गया और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इनके ऊपर भी ये घटना का जो अनावरण है, ये 24 घंटे के अंदर राजघाट पुलिस ने किया है और इनकी गिरफ्तारी जो है वो अलग अलग स्थानों से की गई है। राजघाट पुल के नीचे अमृतिया बाग से की गई है और इसके अतिरिक्त वैकुंठ धाम के पास से की गई है।